प्रतिदिन प्रति घंटे सारा विश्व में घटी चली घटना दुर्घटना से अनेक घटना पलटुची गणमाध्यम शीर्ष खबर आम अर्गस न्यूज मध्यम से परी अनेक ताजा खबर को निरपेक्ष भाव आपण परेषण कर चलित सप्ताह आम देश समेत सारा विश्व में घटी जाइथिबा अनेक गुरुत्वपूर्ण घटनार अपडेट आपण को देवाई आम आउ एक नुआ प्रयास करिछु जहार ना सारा दुनिया नमस्कार आज सारा दुनिया को आपण को स्वागत करुच्ची मु निहारिका एबे आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा चलित सप्ताह सबुठ बड़ा खबर उपरे जहाँ को नहीं एबे भी सारा विश्व रे जारी रही चर्चा अधा राति रे शेष हैला दीर्घ 20 वर्षर सामरिक अभियान शर्त अनुसार हाथ में आउ गोटे दिन थिले भी अफगानिस्तान माटी छाड़ा बाध्य हैला अमेरिका अगस्त 30 मध्यरात्रि रे तालिबान हाथ में अफगानिस्तान रो भाग्य भविष्य को टेकी दे अमेरिका चली जावा को नहीं एबे भी सारा विश्व रे लागी रही चर्चा जो बाइडेन सैन्य प्रत्याहार आउ अभियान को शेष को यथार्थ कहुथिले भी एबे अफगान परिस्थिति को नहीं काठगड़ा रे अमेरिका तो सारा दी तैयारी वाला दे होय मैदान की फेला इंशाल्लाह इस मुश्किल नस्ता डेडलाइन पूर्वरु फेरिले अमेरिकी सैन्य अफगानिस्तान रे अमेरिका रा 20 वर्षर सैन्य अभियान रो अवसान घटिछि अगस्त 31 सुद्धा संपूर्ण सेना प्रत्याहार करने को प्रतिश्रुति देइतिला अमेरिका अमेरिका रो शेष विमान उड़ान भरिबा परे उत्सव मनाउछि तालिबान काबुल छाड़ीबा पूर्वरु समस्त अस्त्रशस्त्र और 73 विमान को करा जायछि डीमिलिटराइज दीर्घ 20 वर्ष परे अफगानिस्तान रु अमेरिका सेना रो चूड़ांत प्रत्याहार अभियान शेष होइछि 30 तारीख विलंबित रात्रि रे शेष 3 सेना विमान उड़ान सह उद्धार प्रक्रिया शेष होइछि 123,000 जन को उद्धार नै पेंटागन पक्षरु सूचना दिया जायछि पूर्व निष्पत्ति अनुसार 2021 अगस्त 31 सुद्धा संपूर्ण सेना प्रत्याहार करने को अमेरिका प्रतिश्रुति देइथिला सेही अनुसार अफगानिस्तान रु समस्त अमेरिकी सेना स्वदेश प्रत्यावर्तन करिछंती फळरे अफगानिस्तान रे अमेरिका रो दीर्घ 2 दशंधि धरि चलितबा मिशन रो परिसमाप्ति होईछि अमेरिका सैन्य निज शेष विमान उड़ान भरिबा परे अफगानिस्तान रो काबुल विमान बंदर बाहरे तालिबान कमांडो माने आकाश रे ब्लैंक फायरिंग करी उत्सव मनाउथिबार दृश्य देखिबाक मिलितिला और अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सारे ट्रूप्स विथड्रॉ कर लिए हैं और पूरी तरह से अब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया लास्ट फ्लाइट के जाते ही वहां पे सेलिब्रेटरी फायरिंग हुई हवा में गोलियां चलाई गई जो एक तरह से तालिबान का कब्जे की दिखाता था कि किस तरह से अब हमारा कब्जा है जो चाहे हम कर सकते हैं हालांकि अमेरिका ने कहा है कि जो भी अमेरिकी सिटीजन वहां पे हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश करी जाएगी पर तालिबान पे पूरी तरह जो कब्जा होने के बाद अब तालिबान किस किस को निकलने देंगे ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है और आने वाले दिन बहुत खतरनाक हो सकते हैं अफगानिस्तान के लिए और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए किंतु फेरिबा बेले तालिबान को बड़ा झटका देछि अमेरिका अमेरिका सेना रो काबुल छाड़ीबा पूर्वरु एयरपोर्ट रे थिबा 73 विमान सशस्त्र गाड़ी हाईटेक रॉकेट डिफेंस सिस्टम आदि को डीमिलिटराइज करा जायछि बोली अमेरिका रो स्थल सेना मुख्य सूचना देछंती यहार अर्थ एई सब विमान एबे व्यवहार करि हेबो नाही अन्य पक्ष रे अमेरिका सेना काबुल विमान बंदर छाड़ी थिबारु यहार परिसर पूरा खां खां होई पड़िछि तालिबान भयरे देश छाड़ीबा को किछि दिन तळे एटी एकाठी होइतिबा हजार हजार लोकंकर भीड़ आउ देखिबा को मिलु नाही अमेरिका रो अफगानिस्तान नीति को नै आलोचना समालोचना जारी रहितिबा बेले एपटे निजकु शासन गादी रे बसैबार सब व्यवस्था करिसारिलानी तालिबान किए रहिबो सरकार मुख्य केउ माने रहिबे मुख्य सहयोगी एवं कहा हातरे रहिबो केउ विभाग ए सब स्थिर करि सारिछि तालिबान एबे विश्व समुदायर नजर रहिछि बलपूर्वक बंधुक मुनरे क्षमता दाखल करितिबा तालिबान किपरि चलाइबो सरकार किपरि रहिबो महिलांक पई सेही सरकार मनोभाव सरकार गठन दिगरे तालिबान नेतृत्व नेबे मुल्ला घनी बरादर स्थिर हैला किए रहिबे केउ पदपीरे अफगानिस्तान राजनीतिक प्रक्रिया उपरे सारा विश्वर नजर
सरकार महिला प्रतिनिधित्व नहीं सृष्टि प्रश्नवाची। तालिबान सरकार नुआ कैबिनेट संपर्क में घोषणा कर तालिबान सह प्रतिष्ठाता मुल्ला अब्दुल घनी बरादर हेबाकु जाउचंती सरकार मुख्य बरादर का सहयोगी रहिबे मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद आदास स्टानके जाई। तालिबान सर्वोच्च धार्मिक नेता अखुंदाजादा धार्मिक प्रसंग और शासन विधि उपर नजर रखिबे। अफगानिस्तान रे तालिबान सुरा काउंसिल देश को शासन करिबो बोली सूचना मिली। संगठन सूत्र अनुजाई दिया जाइतिबा सूचना अनुसार सरकार गठन संपर्क में निष्पत्ति निया जाइछि। तालिबान वरिष्ठ नेता अन्य आंचलिक गोष्ठीर लोक माने सुरा परिषद रे अंतर्भुक्त हेबे। केवल एही परिषद रे सदस्य माने सरकार को प्रतिनिधित्व करिवे। मुल्ला अब्दुल घनी बरादर राजनीतिक कार्यालय मुख्य मध्य होई परंती। सूत्ररु प्रकाश जे नूतन सरकार 80% सदस्य तालिबान दोहा दलरु आसीबे। तेबे सरकार गठन करिवाकु समस्त प्रस्तुति चालितिले भी देश चलाइबाकु आवश्यक अर्थ तालिबान किपरि जोगाड करिवो से नहीं एपर्यंत किसी स्पष्ट हो पारिना। अफगानिस्तान बैंक और अन्य केतेक आर्थिक संस्था उपरे अमेरिका सरकार कटकणा लगे सारी। IMF परि संस्था अफगानिस्तान को सहायता कर कि नहीं ए प्रसंगे किसी स्पष्ट जनापड़ी। अफगानिस्तान में अधिकांश लोक आर्थिक अवस्था एत स्वच्छल नुहे तेणु आग को यही अवस्था सुधुर ना आहरी खराब रारी नजर र तेबे एपरि परिस्थिति रे सरकार गठन करिबा तालिबान को पई चैलेंजिंग होई पारे। सूचना मुताबक वर्तमान पई नुआ सरकार केवल तालिबान सदस्य को शामिल करा जाई छी। गठन होई छी 25 जणिया मंत्री परिषद और 12 जणिया परामर्शदाता परिषद। सेही भली नुआ सरकार महिला को प्रतिनिधित्व रहिबो ना नाही। महिला को अधिकार को किपरि विवेचना करू छी तालिबान एहा उपरे पूरा विश्वर नजर रही छी। दुई पक्षर बिवाद रे तृतीय पक्षर लाभ हेबा एक अति परिचित उक्ति। एबे सेही कथार सत्यता देखिवा को मिलिछि अफगानिस्तान रे सृष्टि होइतिबा घटना रे। तालिबान आ अमेरिका मध्यरे मुकाबला शेष हेबा परे एबे एहा परर स्थिति रु फायदा उठाबे को चाहि रखिछि साम्राज्यवादी चीन। एहार मुख्य सहयोगी पलटिछि आतंकवादी देश पाकिस्तान। अफगानिस्तान रे अमेरिकार मिलिटारी एयरबेस थिबा बाग्राम को एबे हातेबा को योजना करूछि कम्युनिस्ट चीन। तबे चिंतार कथा हैला एहा को से भारत विरोध रे व्यवहार करबा पई षडयंत्र करूछि बोली जणा पडिछि। साम्राज्यवादी चीन रो भारत विरोधी चाल। अफगान परिस्थिति रु फायदा उठाइबार योजना। बाग्राम एयरबेस उपरे रखिछि सागुणा दृष्टि। पाकिस्तान को हात करी चलाइबो भारत विरोधी कार्यकलाप। अफगानिस्तान माटी रे चीन आरंभ करिबो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। एबे पाकिस्तान को हात करी साम्राज्यवादी चीन रचिबा को जाउची सांघातिक भारत विरोधी षडयंत्र। अफगानिस्तान माटी रु तरबरिया भाबरे अमेरिका सैन्य प्रत्याहार करिबा परे कोन घटिबा को जाउची ताकु नै तथ्य प्रमाण आधार रे पूर्वानुमान करिसंती जाति संघ रे अमेरिकार पूर्वतन प्रतिनिधि निकी हाली। निकी को मतरे अफगान परिस्थिति रु सबुठ अधिक फायदा उठाबे को जाउची साम्राज्यवादी चीन। अफगानिस्तान रो बाग्राम एयरबेस उपरे एबे सागुणा दृष्टि पकाई छि चीन। तालिबान प्रति अनुकंपा देखाई एही गुरुत्वपूर्ण एयरबेस को अख्तियार करबा को जाउची। एतिरे ताकु संपूर्ण सहयोग रो हात बढाई छि भारतर शत्रु आतंकवादी देश पाकिस्तान। भारत सहित सम्मुख मुकाबला पई भय करूतिबा पाकिस्तान आतंकवाद को आश्रय करितिबा बेले चीन रा हाथ टेका को चाहि तार गोडाणिया पलटिछि। सेतिपाई चीन पाकिस्तान जोड़ी अफगानिस्तान माटी को भारत विरोध रे व्यवहार करबा को जाउछंती बोली आशंका प्रकाश पाइछि। अफगान माटी कोनोसी देश विरोध रे चक्रांत को प्रश्रय देबनी बोली तालिबान नेता मानकर आश्वासना एबे पानी रे गारो पलटिबा को जाउछि। पूर्वरु अफगानिस्तान रो बाग्राम एयरबेस को अमेरिका आतंकवाद दमन पई व्यवहार करूतिला तेणु एहा को एक अति गुरुत्वपूर्ण सामरिक विमान घाटी बोली विवेचना करा जाए। एठारे अति कम रे 10,000 सैन्य रहिबा परि व्यवस्था करा जाइछि। एबे अमेरिका से सबु छाड़ी चली जिबा परे खाली पड़ी एयरबेस। एठारे बड़ बड़ कार्गो एवं अन्य एयरक्राफ्ट अवतरण करिवार सुविधा थिबारु चीन निज अख्तियार को नेबा पई चलाइछि उद्यम। एहा माध्यम रे चीन तालिबान सरकार को साहाज्य सहयोग जोगाइबार प्रतिश्रुति देइछि। एबे बाहर देश रे साहाज्य खोजुतिबा तालिबान सरकार को साहाज्य जोगाइबा नारे सेठाने निजरा आधिपत्य विस्तार करिबो चीन।
ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ କାରବାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚୀନ। ଏ ନେଇ ଭାରତ ସତର୍କ ରହୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିନିଧି ନିକି ହାଲି। ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ ବି ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଆଗରେ ନିହାତି ଅସହାୟ। ଏକଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ପ୍ରବଳ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଖବର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏବେ ସେଠି ଆସିଛି ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ଏପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଡା ପ୍ରଭାବରେ ଆମେରିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଅନେକ ମୃତ, ଶତାଧିକ ନିଖୋଜ। ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକ ନଦୀରେ ପରିଣତ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଇଡା ପ୍ରଭାବରେ ଆମେରିକାର 6ଟି ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ 50ରୁ 100 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ କନେକ୍ଟିକଟ୍, ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜର୍ସି, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ପେନ୍ସିଲଭାନିଆ ଏବଂ ଭର୍ଜିନିଆ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏପରି ବର୍ଷା କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାନହାଟନ, ଦ ବ୍ରୋକ୍ସ ଏବଂ କ୍ୱିନ୍ସ ସମେତ ନ୍ୟୁଜର୍ସି ଓ ନ୍ୟୁୟର୍କ ବୋରରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ରାସ୍ତାରେ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜର୍ସି ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫିଲାଡେଲଫିଆର ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବସ୍ ସେବା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଟକି ରହି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଫିଲାଡେଲଫିଆର ଜଳାନବ ରାସ୍ତାରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ବୋଟ୍ ଚଳାଉଥିବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପେନ୍ସିଲଭାନିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଠପ୍ ହୋଇଯିବ ସାରା ପୃଥିବୀର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, କାରଣ ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୌରଝଡ଼। ଏ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୃଥିବୀକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଳୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ନେଇ ଏବେଠୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୌରଝଡ଼, ପୃଥିବୀରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଳୟ, ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଏକ ଭୟାନକ ସୌରଝଡ଼ ଆସିବ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଳୟ ଆଣିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଦୁନିଆର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଗବେଷକ ସଙ୍ଗୀତା ଅବଦୁ ଜ୍ୟୋତି ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିକମ୍ 2021 ଡାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ନିଜ ଷ୍ଟଡି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତା। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହି ସୌରଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଉପରେ ଜିଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କରେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ସିଧା ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତର ଦେଇ ପୃଥିବୀ ସାରା ବିଛା ଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି କେବୁଲ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ବହୁ ଦେଶ ଏହି କେବୁଲକୁ ନିଜ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୌରଝଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍କୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେବେ ସୌରଝଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗବେଷଣା ଓ ତଥ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଘଟିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତା। ସୌରଝଡ଼ ସାଧାରଣତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରିଡ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଯାଏ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବି ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବ। ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଯାଇଥିବା
इंटरनेट केबल रे करेंटर प्रवाह को अब्याहत रखा रिपीटर्स लगा जाए। सौर झड़ ही रिपीटर्स गुड़ी को आगामी कर दिए, फल केबल जोगे इंटरनेट सप्लाई सारा दुनिया रे ठप हो, इंटरनेट नेटवर्क ऑफलाइन हो। जदि इंटरनेट बंद होपरी अनेक देश अच्छा जोठार अर्थव्यवस्था दूरसंचार प्रणाली प्रतिरक्षा व्यवस्था आदि क्षेत्र संपूर्ण अचल हो। संगीता अब्दुल ज्योति कहवा कथा आम कोरोना महामारी मुकबिला नहीं प्रस्तुत नथिले, सेतिपाई सारा पृथ्वीर अवस्था बेहाल होगला। ठीक से हीपरि आम सौर झड़ और स्थिति जो पड़ा थिबा प्रभाव मुकबिला प्रस्तुत ना, यह छड़ा सौर झड़र प्रभाव संपर्क में कौन तथ्य भी ना। आदि बड़धरण सौर झड़ आसे से केते परिमाण क्षति हेब तार अनुमान करिबा मुश्किल। साप एही शब्दटी शुणिले अनेकंक मनरे भय सृष्टि होइथाय, तेबे सेही साप प्रजाति मध्यरु किछि प्रजाति विषधर होइथिबा बेले अनेक प्रजाति रहिछंती जेउमानंकर आदो विष नथाय। विषधर सापर विषरु अनेक प्रकार मूल्यवान औषध प्रस्तुत होउथिबा कथा आपण माने हुए त जानिथिबे, मात्र एबे सेही साप विषरु प्रस्तुत हेबाकु जाउछि कोरोना मुकाबिलार महौषधि। एहा आश्चर्य लागुथिले बि सत, ब्राजिल वैज्ञानिक माने एपरि असंभव काम को संभव करी देखाइबाकु जाउछंती, जहां आगो को कोरोना मुकाबिलारे पालटी पारे गेम चेंजर। कोरोना को निपात करिवो साप विषरे हेबो कोरोना चिकित्सा। ब्राजिल वैज्ञानिक मानंकर सूचना, मांकड़ उपरे गवेषणारु सफलता, 75% भूताणु वृद्धि करिवार क्षमता को प्रतिरोध करिछि साप विष। कोरोना को नहीं विश्ववासी मनरे भय और चिंता दिनक दिन बढ़िवारे लगी। वर्तमान स्थिति एपरी है कोरोनार दुईट वैक्सीन नेवापर भी लोक मैंने संक्रमण में प्राण हराउं, तेज यार भितर ब्राजिल वैज्ञानिक मैंने एपरी एक खबर प्रकाश करर्चा जोर धरी। वैज्ञानिक मैंने गवेषणा कर खूब शीघ्र साप विषय कोरोना भूताणुर चिकित्सा कराजिल अनुसंधानकारी मैंने मांकड़ अनुसंधान करने जना पड़ी साप विषय एक अणु मांकड़ कोषरे कोरोना भूताणु वृद्धि रे बाधा सृष्टि करिथाय। तेबे ए पर्यंत मनीष देहरे कोविड विरोध रे एही विषर प्रभाव विषय कौन से सूचना मिली ना, किंतु विशेषज्ञ मैंने आशा करिछंती विषरु कोरोना चिकित्सा हो पारिब। वैज्ञानिक पत्रिका मलिक्यूल्स रे प्रकाशित एक अध्ययन रे जना पड़ी जारा कुसुपिट भाइपर मांकड़ कोषरे भूताणुर 75% वृद्धि हेबार क्षमता को प्रतिरोध करिछि साप विष। सा पाओलो विश्वविद्यालय प्रोफेसर राफेल गुइडो कहिछंती साप विषर किछि अंश भूताणुर एक निर्दिष्ट प्रोटीन को प्रतिरोध करि पारिब। एही अणु हेउछि एक पेप्टाइड किमा अमीनो एसिड जहां कोरोना भूताणुर पीएलपीआरओ एंजाइम सहित बांधी होइथाय। एहा अन्य कोषगुडीकर क्षति नकरि भूताणु वृद्धिर प्रतिबंधकरे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। एक गणमाध्यमक साक्षात्कार दे गुइडो कहिछंती एहार आंटीबैक्टेरियल गुण पई पूर्वरु चिन्हट पेप्टाइड लैब रे प्रस्तुत हो पारिबो। एही कारणरु साप को धरि रखिबार आवश्यकता नाही, तबे साप विषरु प्रकृतरे कोरोना भल हेबो कि नाही ताहा परवर्ती समय स्पष्ट हेबो बोली विशेषज्ञ माने कहिछंती। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आपण माने देखिले हमर स्वतंत्र उपस्थापना सारा दुनिया रो एही एपिसोड कार्यक्रम को एठी रखिबा। एही कार्यक्रम सहित मु पुणी आसीबी एही दिन एही समय रे। आज पाई एतिकी, नमस्कार।